सिर्फ जो पहले जो शॉट गए आपके उसने डिसअपॉइंट किया, उसके बाद थोड़ा प्रेशर बिल्ड हुआ था? नहीं, प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ, प्रेशर निकल गया। अभी तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको जॉब ऑफर हुई, वो जॉब आपने नहीं ली। और घर वालों का क्या रिएक्शन था सिर्फ जो जब मैच तो वो देखते नहीं आपका? देखते नहीं। ओलंपिक्स के टाइम पे तो उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। मैंने 2-3 बार कॉल करी तो उठाई नहीं। जब तीसरी कॉल करी कहते कि मैं बिजी हूँ, थोड़ा बाद में करूंगा। बापू हानिकारक थे? यस। तभी मेडल आ पाया? बहुत ज्यादा थे। मार तो नहीं पड़ी होगी कभी? बहुत ज्यादा पड़ी है। अच्छा, ओलंपिक के बाद पड़ी गई थी एक बार। नमस्कार, आपके साथ मैं स्तेश नैन मोर। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका है। इस बार भारत की तरफ से 6 मेडल जीते गए। यहां पर गोल्ड तो नहीं मिला, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ी एक बार फिर से दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का परचम लहराने में कामयाब रहे। उन्हीं में से एक चमकते हुए सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, सरबजोत सिंह। जी हां, शूटिंग में कीर्तिमान स्थापित किया है सरबजोत ने। सबसे पहले तो न्यूज 18 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट, धड़कने बहुत तेज थी। हालांकि एक दिन पहले खुशी आई थी शूटिंग से, लेकिन वो एक सूखा सा लग रहा था कि कुछ और भी चाहिए हमें, यहाँ से क्या मिल सकता है। कैसा मूवमेंट था जब आप इवेंट के लिए गए थे? जब इवेंट के लिए गया था उससे पहले एक मेरा इंडिविजुअल मैच था, उससे थोड़ा मैं जस्ट एक इन अटेंस से रह गया था मेरा मैच वो, और काफ़ी डिमोटिवेट भी हुआ उसके बाद। फिर मिक्स टीम भी था 2 दिन बाद, तो उसको करने के लिए सारा कुछ कि हाँ मैंने अपना एक अपॉर्चुनिटी हो रहा है मेरे पास, तो उसमें मैंने अपना बेस्ट देना है। इंडिविजुअल में ऐसा हुआ कि बस अच्छा कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा वो चीज़। तो वही सेम चीज़ मैंने दोबारा करी कि मिक्स टीम सेम ही करूँगा, कोई चेंजेस नहीं लेके आऊँगा, सोना वैसे ही है, ना लेट नाइट, वो कुछ नहीं किया जैसे उस इंडिविजुअल वाले मैच दिन किया, वही सेम मिक्स टीम दिन किया सेम जी। और जस्ट जो टेक्निक होती है हमारी शूटर्स की, फ्रंट साइड फोकस, फॉलो थ्रू, ट्रिगर, इस पर वर्क किया और ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए हम सिलेक्ट हो गए। मैच था वो नेक्स्ट डे, फिर मैच था वो उसके बाद, फिर हमने बस मेरे और मनु में बस इतनी बात हुई थी कि दोनों ने अपना बेस्ट देना है। मनु का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लगा आपको कि हाई, क्योंकि वो एक मेडल जीत चुकी थी, थोड़ा उससे भी बेनिफिट मिलता है, आपको भी थोड़ा बूस्ट मिलता है कि चलो मेरे साथ जो है मेरी टीम में उसका कॉन्फिडेंस हाई है और आप भी उससे कुछ सीखते हैं? हाँ जी, होता है क्योंकि पहले भी हमारी कई बार टीम बनी है, नेशनल्स में होगी और ऐसे जैसे ओपन मैचेस हो गए उसमें हो गया, वर्ल्ड कप्स हो गए उसमें भी काफ़ी होती है हमारी, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ इस बार हम अपना बेस्ट देंगे। लेकिन सिर्फ जो पहले जो शॉट गए आपके उसने डिसअपॉइंट किया, उसके बाद थोड़ा प्रेशर बिल्ड हुआ था? नहीं, प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ, प्रेशर निकल गया। निकल गया बैड शॉट के बाद? कैसे? थोड़ा होता ही है स्टार्टिंग में, अगर जैसे कि जो हमारे फॉरनर कोच थे उन्होंने बोला कि ये सिर्फ गेम एक शॉट की है, ये ऐड नहीं होएंगे उससे, बस जैसे तुम्हारा एक अच्छा शॉट निकला तो उसके 2 पॉइंट तुम्हें मिले, भूल जाओ, नेक्स्ट शॉट की प्रिपरेशन करो। वो दिखा भी, उसके बाद जितने शॉट गए अच्छे, हाँ ठीक थे वो, 10 पॉइंट इन 10 बहुत कम थे बट हाँ अच्छे थे, अच्छे शॉट्स थे। लग रहा था कि मतलब बहुत करीब है, जो 8 साल तक आपने मेहनत की, 8 साल की मेहनत आज थोड़ा फल जाएगी, सपना गोल्ड का था लेकिन रंग बदला है, पदक तो आएगा। हाँ जी, वो तो था ही, और बस मेरी ये थिंकिंग थी कि बस अपना बेस्ट देना और इंडिया के लिए गोल्ड, बट चलो गोल्ड नहीं ब्रॉन्ज सही, बट नेक्स्ट टाइम कलर चेंज करेंगे इस चीज़ का। 4 साल बाद LA में, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप ये मेडल लेकर आए, लेकिन जो गोल्ड का सपना लेकर जी रहा और वहाँ तक पहुँचा है, उस पोडियम पे ज़रूर थोड़ा सा एक एथलीट के मन में मलाल रहता है कि इसका कलर चेंज भी हो सकता था, लेकिन अब LA के लिए क्या तैयारी है? LA के लिए बस अभी जैसे 8 साल से सेम कर ही रहा हूँ वही सेम रखूँगा, कोई चेंजेज नहीं, जस्ट थोड़ा और फोकस करेंगे जहाँ पर कमी लगी, जैसे डायरी लिखी मैंने कि ऐसे ऐसे कमी रही, अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बस बॉडी जॉब दे रही थी तब, पता नहीं क्यों वो चीज़ की टेंस आ रहे हैं बट लास्ट में 2-3 शॉट रहते थे वो खराब हो जाते थे, वो चीज़ पता नहीं, वो बार बार हर सीरीज में थी। हम लोग तो टीवी के सामने इतना खुश हो रहे थे जैसे ही हमें लगा कि ब्रॉन्ज आ गया इंडिया का, आप लोग वो खुशी कब फील करते हैं, मतलब कब आपको लगता है कि हाँ मैंने कंट्री के लिए वो अचीव कर लिया है, मतलब वो कुछ अलग कर दिखाया है इस सरजमी पर आकर, हमने कब फील होता है, कितने मोमेंट बाद? मोमेंट बाद नहीं बता सकता, कुछ मिनट के लिए वो रियलाइज होती है, दैट्स इट, उसके बाद हम भूल जाते हैं। शूटिंग को बहुत महंगा गेम कहा जाता है,
नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, खेती बाड़ी करते हैं आपके पिताजी, है ना, घरेलू महिला हैं, घर संभालती हैं आपकी माता जी, तो कहाँ से सोचा कि मुझे ये शूटिंग करनी है, कैसा सपोर्ट रहा घर का? स्कूल में समर कैंप लगा था तब, 2014 की बात है ये, और जो उस टाइम पे कोच थे शक्ति राणा, तब मेरे को इतना पता नहीं था शूटिंग के बारे में, तो मैं पहले फुटबॉल में था तब, तो मैं शूटिंग देखा कि काफ़ी डिफरेंट गेम लग रही है इस समर कैंप में, एंड फिर मैंने पापा को बताया कि ऐसे मैंने शूटिंग करनी है, तो पापा कहते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है, तो कोई और चूज़ कर ले। तो जो स्कूल के चेयरमैन थे उन्होंने सीधा पापा से डायरेक्टली बात करी, तो उन्होंने बताया कि एक बार इसको शूटिंग में डालो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, तो मैं कहा चलो ठीक, फिर वो भी मान ही गए फिर ना। तो जब मेरी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हुई 2015 में, तब मेरा सिल्वर मेडल आया डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके बाद हो गया कि लाइक अब करना है, तो अब जो मेरे मामा जी हैं अमनिंदर सिंह, वो अभिषेक सर के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने सर से मिलवाया, 2016 में मैं सर के पास आ गया, और उसके बाद मैं पता चला शूटिंग का कि ट्रिगर, ये फॉलो थ्रू, आई ब्लेंडर, शूज़, शूटिंग शूज़, इन सब चीजों का पता चला मेरे को, इक्विपमेंट्स होते हैं, हाँ जी, इनकी हाँ जी, से आप और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा कर सकता हूँ, फिर मेरे को धीरे धीरे हुआ कि यार अब करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा। घर वालों की तरफ से काफी अच्छा सपोर्ट था, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं, दादू जी ने बहुत सपोर्ट करी, वो अमेरिका रहते हैं। खाली टाइम में सरबजोत क्या करते हैं, मतलब कोई हॉबी है, कुछ पैशन है, इसके अलावा कोई पैशन है इस गेम के अलावा? स्पोर्ट्स कार होगा। कोई अभी ड्रीम कार है आपके माइंड में कि घर वालों ने कुछ प्रॉमिस किया हो कि तुम ये कर दोगे ओलंपिक में मेडल ले आओगे तो आपको ये गिफ्ट की जाएगी? कर मतलब मैं ही बोला था उनको कि मेरे को ये कार चाहिए, तो अभी मैं शो नहीं करूंगा आपको, मतलब सीधा सरप्राइज देंगे आप? सरप्राइज ही दूंगा। बाइक्स वगैरह का भी शौक है? बाइक्स का है, हार्ले मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, वो बुलेट तो अब सारे रखते ही है, और कार्स में स्पोर्ट्स कार M5, BMW M5। तो कोच हैं आपके, ज्यादातर माइंडसेट ऐसा है हम इंडियंस का कि फॉरेन कोच ज्यादा बेटर होते हैं, वो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इम्प्रूव कर पाते हैं और इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं आपके मेडल जीतने के, लेकिन अभिषेक राणा खुद इंटरनेशनल शूटर रहे हैं, उनके साथ कैसी ट्यूनिंग रही, कि आपको किसी पॉइंट पे लगा ऐसा कि मुझे अगर इंटरनेशनल लेवल का कोई कोच मिल जाता तो ज्यादा बेटर होता? नहीं मैम, इतना नहीं कभी सोचा मैंने, क्योंकि मेरी माइंडसेट ही थोड़ी डिफरेंट रही है स्टार्टिंग से लेके अब तक की। शूटिंग में ट्रेनिंग में आज तक उतना स्कोर नहीं गया था जितना मैं फर्स्ट टाइम नेशनल में मारा था, और उसी में मेरा फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल आया था, उसके बाद इतना सीरियस हो गया कि लाइक स्टडी में तो चलो स्टार्टिंग से नहीं था मैं इतना अच्छा, तो हौली 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 फिर अपना 2018 में नेशनल्स, जूनियर गोल्ड, यूथ गोल्ड, टीम गोल्ड, एंड जो 2019 का नेशनल चैम्पियनशिप थी जो, उसमें सीनियर गोल्ड, जूनियर गोल्ड और मिक्स टीम गोल्ड, टीम गोल्ड, मतलब पता ही नहीं क्या क्या। एक चीज़ में जहन में आई और बहुत सारे लोग उसके बारे में जानना चाहते, टर्की के एक शूटर थे, हिटमैन कहते हैं उसको, बहुत मीम्स बने, हाँ, बहुत वायरल हुए, ट्रोल हुए काफी, लोग जानना चाहते कि मतलब इतना क्या, बाकी को बहुत सारे इक्विपमेंट्स के साथ, ये वो कुछ मीम्स ऐसे बने कि आईसीएसई से, सीबीएसई से पढ़े हुए बच्चे हैं और एक तरफ सरकारी स्कूल से पढ़े हुए, वो इक्विपमेंट्स का कितना बड़ा रोल रहता है टारगेट हिट करने में। मैंने उनकी एक वीडियो देखी 2012 की थी वो, तो उसमें उन्होंने मतलब तब भी वो नहीं डालते थे, और मतलब उनको शायद 2012 के बाद आज 12 साल बाद भी उन्होंने सेम चीज रखी है, तो लिटरली मतलब काफी बड़ी चीज है, क्योंकि कोई रखता नहीं इतने टाइम तक उस चीज को बिल्कुल भी, एंड मेरे को काफ़ी मतलब एक तो शौक वाली चीज़ थी कि यार सीरियसली नो कैप, नो आई ब्लेंडर, एंड काफ़ी अच्छा था वो, तो उसके हम बाद, लोगों को हाँ इतना अच्छा लग रहा तभी वो लोग कह रहे कि वो पहला मौका था जब गोल्ड जीतने वाले के इतने बातें नहीं हुई, चर्चे नहीं हुए जितना सिल्वर जीतने वाले इतने हिट, हाँ हो गए, पॉपुलर हो गए सच में, मतलब काफ़ी ज़्यादा हिट हो गए वो। अपनी अम्बाला जब आपका मेडल आया तो कहा कि अम्बाला में ही आप ट्रेनिंग कर रहे थे, तो लोगों को एकदम से लगा कि अंबाला जैसी जगह से कोई शूटर इतने बड़े लेवल पे जा सकता है? माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है, डिपेंड नहीं करता आप कहाँ पे रह रहे हो, और ऐसा ये भी बता दो कि बस यहाँ से नहीं मिलती, ये पास में दो सड़क का एक जगह है, हाँ वहां से जाके बस मिलती है। लोगों को, बच्चों को जो आपको देखकर शूटिंग में आना चाहिए, देखिए ऐसा होता है कि जब एक किसी भी गेम में कोई मेडल आता है तब बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारा बच्चे चाहते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, अब आपको देखकर बहुत सारे शूटर बनेंगे, क्योंकि हमने देखा राजवर्धन सिंह राठौर, गगन, और साथ में अब अभिनव बिंद्रा, उसके बाद आप मनु भाकर, अब नई ब्रीड है ये यूथ मनु भाकर, और आपको देखकर बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे, इस फील्ड में आना चाहेंगे, तो क्या करना होता है उस चीज़ के लिए कि इस तरीके से ओलंपिक के पोडियम पे जाके
तिरंगा फहराए हम। जो मेरी स्ट्रगल थी उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल टाइम में बताता हूँ आपको, 11th 12th की बात है। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब सुबह 8 बजे हम स्कूल चले जाते थे और 1 घंटे का टाइम मिलता था मेरे को, तो उसी में मेरे कपड़े चेंज किए, मतलब रेंज पे चला जाता था मैं यूनिफॉर्म में ही, और वहीं पे जाके कपड़े चेंज करके रात को 8-9 बजे आता था वापस। तो बस भी कभी कभी मिलती थी, एंड एक बस होती थी वो सडोरा की होती थी यहाँ से, और वो बस लास्ट होती थी अम्बाड़ा से, उसके बाद रात को 11 बजे होती थी। तो मैं 8:30 कभी कभी 8:30 भी पकड़ी, और उसके बाद तो 7 बजे लास्ट होती थी फिर वो। तो काफ़ी वेट भी करी है, बहुत वेट की है, और हम लोगों ने भी वेट की है कि शूटिंग में इस तरह से ओलंपिक में मेडल आए। फैमिली में किस तरह का सपोर्ट रहा, मदर फादर में से बापू हानिकारक थे? यस, तभी मेडल आ पाया। बहुत बहुत ज़्यादा थे होती हैं, होना भी चाहिए क्योंकि हाँ। वो भी ये चीज़ देखते हैं कि बच्चे का करियर बन जाए, और मतलब कभी कभी डांट भी पड़ जाती थी कि स्कोर कम, ये वो सारा कुछ शूटिंग के रिलेटेड। और मेरे को पता है क्या क्या होता था तब, क्योंकि पापा तो नहीं बताते अभी, बट काफ़ी चीज़ें फील भी हो जाती थी कि यार बस अब करूँगा वो चीज़ थोड़ा कर देती थी, कि जैसे अगर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी होता था चीज़ों से, कि थोड़ा फन मूड में भी चला जाता था कभी कभी, तो उस चीज़ को लेके आने में पापा का बड़ा वो है सपोर्ट, कि डांटना वो सारा कुछ, उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन कब ऐसा हुआ कभी कि डीरेल हुए हों? कोविड भी इस बीच में आया, थोड़ी इंजरी भी, आपके कोच ने बताया कि इंजरी भी थी सरबजोत को, लेकिन पिछले साल इंजरी, उसके बाद ओलंपिक आ गया, तब थोड़ा सा था, नर्वस थे कि क्या होगा? नहीं, ओलंपिक को लेकर नर्वस नहीं था, बस थोड़ी चीज़ें थी जो वो कि लाइक मेरे को जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट करी थी चीज़ें। कोविड के टाइम पे मैंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, जब लॉकडाउन लगा तो मैंने घर पे लेन लगा ली। कोविड के बाद ही एक वर्ल्ड कप था दिल्ली, तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग थी, लाइक 590 out of 600, काफ़ी नेक्स्ट लेवल होती है ट्रेनिंग। जो बेस्ट स्कोर है, इंडिविजुअल स्कोर है 596। लेकिन कुल मिला के जर्नी बहुत जबरदस्त रही, उसके पीछे आपकी मेहनत रही। अगर मैं स्ट्रगल की भी बात करूं तो उसमें भी काफी फन किया हमने, है ना? हाँ, बहुत बहुत अच्छा गया। हाँ जी। एक सवाल ना, क्योंकि हम एथलीट को देखते हैं कि फिजिक बहुत मैटर करती है उसमें, लेकिन शूटिंग की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें कहते हैं कि माइंडसेट बहुत काम करता है, इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन, पेशेंस आपको सीखने पड़ते हैं, वो क्या ट्रिक होती है, कितना रोल होता है, और किस तरह से हम अपने आप को, अपने ब्रेन को ट्रेंड करते हैं? माइंडसेट तो मैम देखो हर एक गेम में होता ही है, हर गेम में इम्पोर्टेंट रोल होता है माइंडसेट का। मेडिटेशन और उसकी बात करूँ तो मैं मतलब स्टार्टिंग में नहीं करता था, और जब इंजरी हुई तब मैंने स्टार्ट करी वो चीज़, क्योंकि शूटिंग से बिल्कुल रेस्ट मिल गया मेरे को, कि पिस्टल भी उठती नहीं थी, अगर मैं उठाने की कोशिश करता तो बहुत गंदा पेन होता था, कि लाइक अब फटेगी ये चीज़, टूटने का होता था कि अब टूटेगा, ये इतना गंदा पेन था तब। उसके बाद मेडिटेशन और योगा स्टार्ट करी, फिर धीरे धीरे मतलब इंजेक्शन भी इंजेक्ट हुए इसके अंदर शोल्डर में स्टीरॉइड्स के, तो फिर 6 महीने का वेट मिल गया मेरे को सारा कुछ। तो बस उस टाइम पे योगा मेडिटेशन करी, इतना हो गया था कि यार फ्रीक्वेंटली स्कोर्स आ रहे थे, जैसे 81 81 81 81 ऐसे आ रहे थे कि कभी बड़ा नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे फिर मेडिटेशन छोड़ी, तो उससे मतलब इतना ज़्यादा कि लाइक मेरा मी टाइम भी ख़त्म हो गया, जिसको बोलते हैं कि शूटिंग, जैसे मैं शूटिंग करता था पहले, कि वो चीज़ ख़त्म हो गई, मेडिटेशन वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई मेरी उसके अंदर वर्किंग में, एंड उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली स्कोर आने लग गए, कि बस 81 80 81, कि जब ऐसे ओलंपिक ट्रायल्स थे मेरे तो मेरे को काफ़ी फील हुआ कि यार ऐसे तो आएगी नहीं वो चीज़, क्योंकि तुम 81 81 मार रहे हो, अगले 83 83 कर रहे हैं तब वो तो ऊपर ही आएंगे। बिल्कुल। तो मैंने मेडिटेशन छोड़ दी, 15 दिन बाद ट्रायल 3 ट्रायल 4 थे ओलंपिक्स के, तो मैंने फिर अपने पे वर्क किया, तो वो काफ़ी अच्छे गए, 82 और 84। सरबजोत मुझे बताओ कि मनु को देखते हैं, आपको देखते हैं, क्योंकि मेडल आने के बाद चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, एक होप भी होती है, और थोड़े टाइम के लिए। नीरज चोपड़ा ने भी कहा कि जब मेडल आता है तो कुछ दिन के लिए हम लोग याद किए जाते हैं, और जब मेडल नहीं आता तो भुला दिए जाते हैं, और ऐसा विनेश के साथ बिल्कुल मत कीजिएगा, है ना? तो ये हर एथलीट के साथ ही है, और मेडल आने तो कुछ दिन याद किए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ तो है कि आपके थ्रू बहुत सारे नए बच्चे आते हैं उस गेम में जिसमें आप कुछ बड़ा अचीव कर लेते हो उस गेम में, तो यहाँ पर आपको क्या उम्मीद लगती है, और क्या गवर्नमेंट बेस लेवल पे क्या करना चाहिए सरकार को,
जितना करे उतना ठीक है इंडिया में, क्या फ्यूचर है शूटिंग का हरियाणा में भी स्पेसिफिकली मैं जानना चाहती हूँ, और दूसरा कि इंडिया में क्या फ्यूचर है? जब से खेलो इंडिया हुआ हमारा फर्स्ट 2018 में स्कूल गेम्स, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली हमें। 19 में मैं खेलो इंडिया में आ गया था, उसके बाद लाइक डॉक्टर जो दिल्ली में रेंज है डॉक्टर करण सिंह शूटिंग रेंज, तो उस टाइम पे पैलेट्स फ्री, रेंज ट्रेनिंग फ्री, हॉस्टल फैसिलिटीज़ फ्री, तो मतलब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल गई, तो मंथली अलोवेंस भी मिल गई गवर्नमेंट से। उसके बाद मैं टॉप्स में आ गया जो मोदी जी ने स्टार्ट करी थी, काफी मतलब जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हमें, लेयर है उनको हाँ जी, बहुत फ़ायदा मिला कि जैसे हम बाहर जाके ट्रेनिंग भी कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट वो जी। अलग इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग वो सारा कुछ, मतलब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आई हमें। बट अगर ग्रास रूट लेवल की बात करें तो बहुत दिक्कतें हैं स्टार्टिंग में, आपको खुद ही सारा कुछ करना पड़ेगा। बट जब आप एक स्टैंड मिल जाते हैं आपको नेशनल्स में जैसे मेडल्स आ गए तो वो उठा लेते हैं, वहाँ से आपको पिक कर लेते हैं उस चीज़ के लिए, फिर स्पॉन्सर आ गया आपके पास, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। बट ग्रास रूट लेवल पे अभी इतना है नहीं। हम बहुत सालों से बात कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा है इंडिया में, हम पॉपुलेशन में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब देखिए 140 के अराउंड हमारी पॉपुलेशन है और हमारे मेडल सिर्फ 6 आए, उनमें से गोल्ड एक भी नहीं है। हाँ जी। तो चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ये कंट्रीज पॉपुलेशन में बहुत कम है हमसे, लेकिन मेडल टैली में बहुत ऊपर है, है ना, टॉप करते हैं। तो क्या यही एक बड़ी कमी है कि आपको नीचे से स्टार्ट करना होगा और ऊपर जाके जब मेडल आ जाता तब आप सब कुछ देते उसको, लेकिन जरूरत होती है आप ग्रास रूट लेवल जीरो से उसको उठाओ, वो चीजें यहाँ पे अभी बहुत कमी है। अभी है कमी इस चीज में, बहुत ज्यादा ही होती है। अभी तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको अब तो बहुत ज्यादा सपोर्ट ऑफर हुई, वो जॉब आपने नहीं ली, सबका ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो वो जॉब कैसे था कि मैम मैंने सिर्फ इतना बोला था कि मेरे को अभी शूटिंग करनी है, कि मैंने जॉब नहीं करनी, क्योंकि अभी मेरी एज कुछ नहीं है और फैमिली की तरफ से प्रेशराइज कर रहे हैं इस टाइम पे कि जॉब कर ले, एज निकल रही है। मैं क्या एज क्या है अभी बताओ आप, तो इस वे में बोला था मैंने कि अभी मैंने जॉब नहीं करनी, तो सभी ने गलत इम्पैक्ट डाल दिया इस चीज़ का कि सरबजोत तो इग्नोर कर रहा है, मतलब डिक्लाइन कर दी उस चीज़ को कि वे अब वो नहीं करेगा, मतलब ऑफर ठुकरा दिया सरकार का, वो बेसिकली वो है। हाँ तो अभी आप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफर क्या, आपने शूटिंग पे अभी मैं शूटिंग पे फोकस रखूं? हाँ, तो एक बार क्लियर न्यूज़ 18 पे क्लियर कर रहे हैं आपकी, अभी मेरा जो एम है वो शूटिंग है, शूटिंग मुझे आगे कुछ करना है ना, क्योंकि LA 28 फिर वो सारा कुछ उसके बाद, अभी मतलब एज ही क्या है मेरी वही तो ना, 18 की एज में दोस्तों ने जॉब लेनी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। तब मेरे को थोड़ा फील हो गया कि फिर मेरे को दोबारा दिखे भी नहीं वो शूटिंग में, इसलिए वो चीज मैं अपने उसमें नहीं चाहता कि वो मेरे साथ हो। सरबजोत, एक और सवाल बहुत सारे लोग शायद जानना चाहते हैं कि सरबजोत जब शूटिंग रेंज से बाहर होते हैं तो क्या उनका रूटीन रहता है, क्या उनको खाने पसंद है, मूवीज देखते हो आप? बहुत, मतलब कौन किस तरह की मूवीज पसंद है, क्या खाने पीने पसंद है? अब हीरो हो चुके इस देश के, हम जैसे मतलब हाँ जी, ट्रेनिंग करके निकलते थे मैं फ्रेंड्स और कार उठाई कभी NH1 है अंबाला में, वहाँ पे एक कैफे है ट्रांजिट कैफे, वहाँ पे बैठ जाते थे, तो घर से फ़ोन आते थे कि कहाँ पे हो तुम, घर पे पहुँचे नहीं अब तक, ये वो सारा कुछ। मैं क्या अब यार थोड़ा इन्जॉय करने दो, ट्रेनिंग करके निकले हैं, तो बस फिर कार्स बंद कर दी कि कार नहीं लेके जानी, हम छोड़ने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट फिर मेरे को थोड़ा होने लग गया कि यार ये तो वो होने लग गई अब तो बिल्कुल ही बंदिश ज़्यादा हो गई है, मतलब है ना कि मतलब ये तो ज़्यादा ही ट्रीट करने लग गया अच्छे से। फिर मैंने थोड़ा उनको मना कर दिया कि लाइक अब मैं थोड़ा करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, थोड़ा वो ना करो, थोड़ा दबा के ना रखो मेरे को, हाँ जी उस चीज़ के लिए। कहते ओलंपिक्स आ रही है, मैं क्या हो गया फिर, ओलंपिक्स ही तो है, जस्ट वो टैग है, 60 shot का मैच तो आप इंडिया में भी करते हो, वो थिंकिंग थी मेरी, और 60 shot का मैच इसका बेनिफिट भी आपको ओलंपिक में मिला होगा, प्रेशर नहीं था। लेकिन ये मासूम चेहरे के पीछे हमने सुना कि बहुत शैतानियां भी रहती हैं, बहुत ज्यादा बहुत, और मम्मी बोल रही थी कि ऐसी शरारतें कि हम बता नहीं सकते काफी मतलब प्राइवेट ही है वो सारी चीजें, प्राइवेट, लेकिन कुछ ऐसा किस्सा बताना चाहें? ध्यान में तो मतलब सारी दूसरी है, सारी हरकतें ही है कि वो शो नहीं कर सकते, लेकिन डेडिकेशन बहुत था आपका। हाँ जी। सुबह कितने बजे उठते थे आप? मैम 5। 5 बजे उठ के रेंज के लिए तैयार होना, सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो, और यहाँ से आपके गांव से अंबाला कैंट की दूरी कितनी किलोमीटर या अराउंड 1 hour, तो मतलब उस टाइम पे चलो रोड्स नहीं थी, 2019 में जाके रोड्स बने थे, पहले तो सिंगल रोड थी,
तब तो मतलब इतना ज्यादा कंस्ट्रक्टेड एरिया था कि हम शाहबाद से जाते थे, शाहबाद से अम्बाला उस साइड को, तो वो काफी ज्यादा लंबा पड़ जाता था। तो मैं और फ्रेंड तो एक टाइम पैसे थे कि बस यार मेरा आज मन नहीं है, बस में जाने का बाइक पे निकल जाते थे, या तो घर वालों को पता ही नहीं है कि हम बाइक्स पे जाते थे कभी कभी। फिर एक दो बार पकड़ा भी है बीच रास्ते में कि कॉल आ जाती थी घर पे कि तेरा लड़का तो ऐसे यहाँ पे बाइक पे घूम रहा है। फिर उनको बताता था कि आज ऐसे बस नहीं मिली और हम लेट हो रहे थे, तो हम बाइक पे आ गए। और घर वालों का क्या रिएक्शन था सर, जो जब मैच तो वो देखते नहीं, आप देखते नहीं कभी नहीं देखा, इन्फॉर्म करते कि चलिए मैंने ये जीत लिया है, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया। ओलंपिक्स के टाइम पे तो उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। अच्छा, कॉल ही नहीं उठाई। मैं क्या यार, पहले तो कॉल उठा ही लेते थे वर्ल्ड कप्स के टाइम पे और एशियन गेम्स के टाइम पे, तो कॉन्ग्रेट्स दे देते थे, बट इस बार मैंने 2-3 बार कॉल करी तो उठाई नहीं। जब तीसरी कॉल करी कहते कि मैं बिजी हूँ, थोड़ा बाद में करूँगी। मैं कहा चलो ठीक है कोई नहीं। आपको पता है इसके ऊपर सोशल मीडिया पे कितनी बातें हुई हैं? हाँ पता है, दोस्तों ने काफी वीडियो सेंड करी है मेरे को इंस्टा पे, बहुत बहुत सारे मीम्स बने हैं, बहुत सारी चीजें वायरल की गई हैं। हाँ जी। और ये पूछी कि कोई माँ जब बेटा ओलंपिक में मेडल जीत गया हो तो कैसे बोल सकती है कि मैं बिजी हूँ, लेकिन हरियाणा की माएं थोड़ी ऐसी हैं, सारी सारी सेम ही होती हैं। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हम लोगों को पैम्पर करके नहीं रखा जाता। रखा नहीं, इतना ही रखा है ना, कभी नहीं रखा इतना। मार तो नहीं पड़ी होगी कभी? बहुत ज्यादा पड़ी है। अच्छा ठीक है, जैसे हो। हाँ, मुझे बहुत पड़ी है, वो पढ़ती रहती है, तो ये तो कहना एक बेसिक सी चीज है पढ़ना। हाँ, चित्र के बिना काम नहीं चलता वही बात है। हाँ, सीधे भी नहीं रहते हम लोग, ये तो स्टार्टिंग से रहा है कि कभी सीधे रही नहीं। मार तो बहुत खाई है, मतलब उसकी तो हद ही नहीं है जितनी मार खाई है। कभी क्लास के बाहर भी खड़े हम तो, मम्मी ने की पापा दोनों नहीं, दोनों से ही पड़ी है, बट पापा से एक टाइम तक पड़ी है। अच्छा, मम्मी अभी भी लगा देती है कभी कभी, हरकतें होती हैं बीच बीच में। ओलंपिक के बाद ही पड़ी गई थी एक बार, गलती करने पे डांट पड़े, थप्पड़ पड़े, चांटे पड़े, तो वो माँ है, हक बनता है उनका। सर अब जो क्योंकि हम आखिर में, अब एक दो सवाल मेरे आपसे हैं। एक तो जो बच्चे शूटिंग में आके करियर बनाना चाहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनके लिए क्या मैसेज है, मतलब क्या कहना चाहेंगे इस गेम को लेकर, या उनको क्या स्टेप उठाना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या? सबसे बड़ी बात पता क्या है शूटिंग के अंदर, कि बच्चे हाँ करते हैं शूटिंग, अच्छी बात है करो, बट वो सोचते हैं कि यार बेस्ट देना है, ये शूटिंग इतनी ज़्यादा डीप करने लग जाते हैं कि अपनी शोल्डर की वो इंजरीज करा लेते हैं। माइंड सेट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हाँ। वो हर बच्चे के लिए होना चाहिए। सरबजोत, उम्मीद है कि एलए में जब हम मिलेंगे 4 साल बाद 2028 में, तो इसका रंग बदले, एकदम चमचमाता हुआ हमें मेडल चाहिए, गोल्ड। थैंक यू, बेस्ट विशेस आपको, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे और बहुत सारे बेहतरीन शूटर्स हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मेहनत हमारे एथलीट दिन रात करे, सालों की मेहनत है, अपना संघर्ष है, माँ बाप के सेक्रीफाइसेस हैं, उसके बाद जाकर ये गोल्ड आते हैं ओलंपिक के पोडियम में, कोई एथलीट देश की तरफ से करोड़ों लोगों में से एक खड़ा हो पाता है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ न्यूज़ 18 पर इतना ही, नमस्कार।